अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जानवर तो मैंने आपको काफ़ी सारे बहुत सारी मंडियों की सैर कराई, तो आज हम जो आरजी मंडी लगती है जीटी रोड के ऊपर, उसका विज़िट कराएंगे। वो मंडी लगती है ऊँटों की। ऊँट कितने के हैं, कि रेट क्या हैं, ये भी हम जानेंगे व्यापारी से। अगर कोशिश करेंगे कोई ग्राहक आ जाए तो उनसे बात भी करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा विज़िट करा दूँ, तो उसके बाद व्यापारी से हम बात करेंगे। दोस्तों ये जगह जो है, ये जीटी रोड के ऊपर काला मंडी है, मवेशी मंडी, उसी के साथ ये रोड के ऊपर ये बैठे हुए हैं ऊँट लेके। पेशावर में वाहिद ये जगह है जहाँ पे ऊँट मिलेंगे आपको। तो चलते हैं, थोड़ा सा विज़िट करते हैं और फिर व्यापारी से हम बात करते हैं। देखिए जनाब, व्यापारियों से भी और जो ग्राहक यहाँ पे आए हैं उनसे बात भी करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका विज़िट करा दूं। जीटी रोड है, काला मंडी के साथ ही, मवेशी मंडी के साथ ही, ये रोड के ऊपर हर साल इधर ही आते हैं। इनके रेट क्या हैं वो भी देखते हैं और इनसे हम बात भी करते हैं। जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे, इनके रेट क्या चल रहे हैं, इस साल महंगाई ज़्यादा है कि कम है, ये भी इनसे पूछेंगे। तो चलते हैं व्यापारी की तरफ। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? खैर ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बलूचिस्तान से आए। बलूचिस्तान से आए हैं जी। इस हर साल यहीं पे आते हैं कि किधर और भी बेचने के लिए जाते हैं? नहीं, हर साल इधर आते हैं। ऊँट लेके आए हैं? हाँ ऊँट लेके। थोड़ी सी कीमतें हमें बताएं, नजर आए हमारे साथ। कीमतें तो मुख्तलिफ कीमतें हैं। इसकी क्या कीमत है जनाब? एक इसका कीमत है 3 लाख रुपए। इसका कीमत 3 लाख रुपए जी। और कितने तक देंगे ये? बस देंगे 270। दो गया 2,70,000 रुपये जी। और जनाब ये वाला? ये वाला 4,20,000। 4,20,000 जी। वो थोड़ा मुख्तलिफ चीज़ें ना, वो खूबसूरत है, अच्छा भी है, मोटा भी है, वो थोड़ा महंगा है, वो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जी। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ है। अच्छा। और एक कमज़ोर चीज़ हो गया, वो अलग चीज़। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 4 लाख। इसके 4 लाख जी। ये 4 लाख रुपये का जी। क्या बताया आपने? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए ठीक है जनाब। और इसका? इसका 2,70,000। 2,70,000 रुपये जी। इसको मेहंदी लगाइए जी। इसको मेहंदी लगाए? मेहंदी क्यों लगाइए? ये खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत लगने के लिए? हाँ, ये कुर्बानी के लिए आए। अच्छा, कुर्बानी के लिए खूबसूरत चीज। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये तो इस रहे, ये चीन से आए। ये कहाँ से आए? ये चाइना से आए। ये चाइना का है? ये दो दाने चाइना से आए। ये मोटा भी है, ये स्पेशल चीज़ है। अच्छा, ये कितने का है? ये 8 लाख रुपए का है दाना। एक दाना 8 लाख? ये 2 क्वांट वाला है। 2 क्वांट वाला जी। अच्छा, 8 लाख रुपए का? ये 8 लाख रुपए। और कितने तक देंगे? माशाल्लाह काफ़ी जवान भी है। हाँ जवान भी है। ये है वो क्या है, 7 लाख, 6.5 लाख तक हो गया। 6.5 लाख रुपये तक? हाँ, लेकिन ये दो दाना स्पेशल चीज़ है, ये किसी के लाए। अच्छा जी। और वो दूसरा भी दिखाए ना जरा, जरा दूसरा भी देख दे। ये अलग चीज़ है, ये 2 क्वांट वाला। ये इधर नहीं होगा? इधर नहीं है। अच्छा, इसका क्या रेट है जनाब? इसका ये 9 लाख रुपए। इसका क्यों 9 लाख रुपए? वो भी ये मोटा भी है। अच्छा, इससे मोटा है? हाँ, इससे भी मोटा है, भारी है। भारी है। इसका कितना कह रहे हैं जी? इसका कितना कह रहे हैं? 9 लाख। 9 लाख रुपये जी। अच्छा, ये वाला कौन सा? ये पहले बताया। अच्छा, इसका बताया? हाँ ये बताया। अच्छा, उधर आगे चलते हैं जरा जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हनीफ खान जी। ये कितने का? ये 4,20,000। 4,20,000 का जी। इसमें दांत का होता है कि दो दांत है? दांत सुचा, दो दांत है। सुचा दो दांत है जी। अच्छा, और ये वाला? ये बस तलब पे, ये भी वही रेट है। ये भी वही रेट है जी। 4 लाख जी। आखिरी में अपनी मोबाइल नंबर बताएं और ये जगह कौन सी है? ये जगह मंडी है, काला मंडी। काला मंडी के साथ जीटी रोड? हाँ, काला मंडी के साथ जीटी रोड पे है, ऊपर। बड़ी मेहरबानी जी। जी मेहरबानी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब,
ये ऊँट कितने का जनाब ये वाला? कीमत है? हाँ कीमत, कीमत 5 लाख। ये 5 लाख रुपए? हाँ। गुजारा कितना करेंगे? गुजारा कितने? 10 कम है 20 कम है। पख्तू का दर्जी? हाँ पख्तू के खबर है। दाम पशु दे? दाम 5 लाख। दाम पर 5 लाख? हाँ। और खर्चे पर पशु? यारा बस जखम दशल जरा पके कमी दिया नो दाना कीमत ना जाती। और दायो? दा 6 लाख। दा 6 लाख? हाँ वाह। और दायो? दा 6.5। 6.5 लाख? हाँ। सुमरा पर कमी? बस जखा दशल जरा रुपये पके कमी है पूरी। कमी है पूरी? हाँ। कम दे दे? दा? हाँ। नासरपुर? नासरपुर जीटी रोड? जेटी रोड नासरपुर जेटी रोड। उसका मोबाइल नंबर से जिसको ग्राबिता था उसका पूरी चिंता तराशी। 0311-98-30-155। तेरा मने ने जी। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका नाम? मेरा नाम जी अब्दुल कद्दूस साहब है। कद्दूस भाई कहाँ से आए हैं आप? मैं जी इधर नज़दीक से आया हूँ, पिशावर में हूँ। ऊँट की मंडी में आए हैं? जी जी जी। पसंद आया आपको? हाँ जी, बस एक दो पीस तो पसंद आए हैं। ये भाई कीमतें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कह रहे हैं। अच्छा, तो आप देखें इंशाल्लाह आपको। ये बच्चे को भी पसंद आए हैं, तस्वीरें वस्वीरें खिंचवाई हैं इन्होंने, और देखें अगर बात बनती है इनसे। तो असल में गर्मी है ना जी, आपको पता है, तो मौसम गर्म है घर में। हम तो आपके पता है कि छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर रखने का भी बंदोबस्त कोई खास नहीं है। तो भाई ये पिछले साल की नस्बत ज़्यादा महंगे हैं कि सस्ते हैं? पिछले साल की नस्बत महंगे हैं जी ज़रा। अच्छा। हाँ जी, पिछले साल की नस्बत तकरीबन 50-60 से लेकर 1 लाख रुपए तक महंगे हैं। महंगे हैं जी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, और रेट क्या कह रहे हैं आपको? तो रेट तो फिलहाल इन्होंने कह दिया है, हमने भी कह दिया है। अब देखें अगर कोई बात बनती है तो बना लेंगे इंशाल्लाह। 4 लाख रुपये कह रहे हैं ये जो था, और बाकी इसमें कोई यूनिक चीज़ लेकर आए हैं एक दो? हाँ जी, वो डबल, वो आपने जो दो डबल खुआ हो तो उसके काफ़ी पैसे कह रहे हैं ये। खैर हमें तो इतना तजुर्बा नहीं है, हम तो जो हम जो चीज़ सालों से लेते रहे हैं बस वो देखें, तो वो हमारे हिसाब से तकरीबन 1 लाख रुपये 80,000 रुपये इतना महंगा है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये है जनाब जीटी रोड के साथ ये आरजी मंडी लगती है ऊँटों की। अपने रेट भी सुने थोड़ा सा, मैं भी आपको विज़िट करा देता हूँ। रिंग रोड सॉरी जीटी रोड के साथ ही ये ऊँटों की मंडी लगती है। हमने व्यापारियों से भी बात की कि पिछले साल की नस्बत इस साल कुछ ज़्यादा रेट हैं। ऊँट भी दिखा दूँ आपको, आगे भी चलते हैं। एक से बढ़कर एक ऊँट खड़ा है यहाँ पे। जीटी रोड काला मंडी के साथ ही ये रोड के ऊपर खड़े हैं। हमने बात की व्यापारियों से भी, ये जनाब ये इनके पास एक दो कोहान वाला ऊँट आया है, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बताई है, 8 लाख रुपए कह रहे हैं। दो दाने हैं इनके पास, 8 लाख रुपए कह रहे हैं। मुख्तलिफ रेट बताए इन्होंने। इसकी प्राइस भी बताई, थोड़ा सा मैं आपको जीटी रोड का विज़िट करा दूँ। ये जनाब ऊँट के ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं खूबसूरत लगने के लिए। एड्रेस तो मैंने बताया आपको कौन सी जगह पे ये ऊँटों की मंडी है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो पहले करना है। सब्सक्राइब इसलिए कहता हूँ कि हर वो नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।